24 घंटे मुस्तैदी का दावा करने वाली उत्तराखंड पुलिस का रियलिटी चेक करने के लिए एमकेएन की टीम देर रात सड़कों पर निकली, जहां प्रदेश के बॉर्डर कुलाहल से लेकर विकास नगर के सभी चौक चौराहों पर हर जगह कड़कड़ाती ठंड और कोहरे के बीच पुलिस मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पर तैनात दिखी। सभी गुजरने वाले वाहनों से पुलिस चेकिंग और पूछताछ करती नहीं। वहीं दूसरी ओर कड़कड़ाती ठंड के बावजूद चौक चौराहों पर अलाव की कोई खास व्यवस्था देखने को नहीं मिली। प्रशासन और नगर पालिकाएं ठंड में अलाव की बेहतर व्यवस्थाएं करने का दावा करती हैं, लेकिन अलाव के दावे धरातल पर नजर नहीं आते। कहीं कहीं छोटे अलाव जलते दिखते हैं तो लोगों ने ऑफ कैमरा बताया कि ये उन्हें अपने पैसे से लकड़ी खरीद कर जलाए हैं। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एस के निरंजन के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम ने भी चेकिंग अभियान चलाते हुए 15 वाहनों के चालान और 3 ओवरलोड वाहनों को सीज करने की कार्यवाही की। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। हमारे द्वारा लगभग सभी प्रकार के वाहनों की चेकिंग की जा रही है और अभी रात कोहरा भी काफ़ी लगा हुआ है, इसमें कुछ दिक्कत परेशानी भी आ रही है गाड़ी को रोकने में, और कभी लाइट गाड़ी इधर से आ रही है तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, लाइटें रिफ्लेक्ट हो रही है, इससे प्रॉब्लम भी आ रही है। अभी तो हम लगभग सभी प्रकार के वाहनों के प्रति कार्रवाई कर रहे हैं। तो जैसे कि घना कोहरा भी छाया हुआ है, ऐसे में वाहन चालकों को आपके द्वारा कुछ निर्देश भी दिए जा रहे हैं? वाहन की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से उनको वर्तमान में तो अभी कोई रात के रात्रि को जैसे कोई नहीं, लेकिन जब भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं या सड़क सुरक्षा अभियान होते हैं तब तो उनके उसमें दिए जाते हैं। इस समय यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि इनको ट्रेनिंग किस